मिले काश अगर मगर चूंके चुनाचे। पाकिस्तान एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये सुनते सुनते कान पक गए हमारे। लोग मिले पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर, कब नहीं गुजर रहा था। मैं 81 की पैदाइश हूँ, 41 साल का हो गया हूँ, 42वें में लग गया हूँ, यही सुनते हैं एक नाजुक दौर से गुजर। तूने क्या किया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम के तहत, व्हाट डिड यू डू फॉर इट। हालात तो हमेशा से खराब थे, तू की कीता भाई, व्हाट डिड यू डू फॉर इट। माज़ा फ़अलता, तूने क्या किया इसके लिए। अल्लाह ने तुझे पूरा मुल्क चेंज करने के लिए थोड़ी कहा। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी इस्तताअत के तहत बता कितना इंकलाब लाया जिंदगियों के। ये बड़ी बात है कि तुझे अल्लाह पूरे मुल्क की चौधराहट दे दे, ये तो अल्लाह की अता है, ये तो कस्बी चीज ही नहीं है, अता ही है। तो सर बड़ी बात है कि आप आजाद हो गए, आजाद हो गए अपने आप से, बड़ी बात है। इन नफ्स अमारतुम बिस्सू, अल्लाह कहता है इंसान खोल ही नहीं सकता आंख, नफ्स ही मत खत्म कर देगा उसको, जो इसको 20-25 साल पिलाया होता है ना, उसमें जुर्रत शुजात डाइवर्सिटी इंक्लूजन इनोवेशन तनवो ये बातें ही नहीं होंगी उसके अंदर। मेरी 4 गड्डियां और 6 हैं, मेरी 10 हो जाए, उन्हों की 1 कनाल की कोठी होगी, साड़ी 2 कनाल की। ये सोच है कंपेरेटिव तकाबुल के साथ हमने औलादे पाली हैं कि पुत्र ए जड़ी नक हैगी है ना, ए 2 इंच तूने और वड्डी करनी है। ये कहां सिखाया गया है कि किरदार को मुकाबले में लेके आ मैदान के अंदर, किरदार से मार, तंग कर सिस्टम को, सिस्टम को तंग कर अपने किरदार के साथ। अमीरी में फकीरी अपना, फकीरी में अपनी अमीरी अपना ले। इकबाल कहता ही रह गया ये कि खुदी मत बेच, फकीरी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, फकीरी में नाम पैदा कर। तो कॉन्सेप्ट इज अपने खिलाफ जा, तंग कर अपने आप को, तंग कर अपने आप को, तंग कर फिर इर्द गिर्द की चीजों को तंग कर, रस्तों के ऊपर ऐसा करिश्मा पेश कर, सोचे लोग बैठ के ये बात क्या बात कर रहा है, अजीब बात कर रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने बात पेश की, भाईजान आप लोग देते हो तो कम देते हो, लेते हो तो 2 ज्यादा ले लेते हो, ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, बराबरी बराबरी होनी चाहिए। कितनी अच्छी पॉजिटिव बात, कौम क्या कहती है, मैं नफ कहूं कसीर में मत को, भाईजान हमें आपकी बात ही नहीं समझ में, मतलब स्ट्रेट चिट्टा इनकार, मां नफ कहो कसीर मिम्मत को, हमें आपकी बात ही नहीं समझ, गहराई नहीं समझ में आ रही आप क्या कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो पैसा कमाना होना चाहिए ना, मैं जैसे भी कमाऊं, ये आप क्या बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, एंटरप्रेन्योरशिप जस्टिस की, ये क्या बातें कर रहे हैं आप। ये खुद को तंग करने वाली जो सोच थी ना, बड़ी बात है, आप निकले भाई वहां से, कितने ही मिलेंगे, अपने आप से ही आजाद नहीं है, मैं अपने आप से आज आजाद नहीं हूं। ऐसे ऐसे महान अलकाब लोग लगा देते हैं लोगों को, अल्लाह भी कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्स की बड़ाइयां ना झाड़, मैं जानता हूं तू अंदर से कितना पलीत है और मैं भी जानता हूं मैं अंदर से कितना पलीत हूं, आई नो द फिल्थ इन माई हार्ट। तो बड़ी बात है अपने आप से आजाद, सवाल तो किया उसने कि यार भाई मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं कहां पर बंद हो चुका हूं, ये मैं कर क्या रहा हूं। एक दुकान पे बैठा हुआ है, उसी दुकान पे बैठा, वो एक फैक्ट्री लगा ली भाई, ये बहुत है। हर फन के अंदर वो एक सोच जो अल्लाह ने पैदा की, वो न्यूक्लियर जो अल्लाह ने सीने को अदा किया ना, कि वो या वो तूफान होगा या उसमें तूफान होगा। तो एक मोमिन का सीना, एक मुसलमान का सीना मुकैद कैसे कर दिया आपने या मैंने कि भाई ये है तेरी जिंदगी की, भाई ये कुआं, कुएं में बैठा एक मेंढक, काश अगर मगर चूंके चुनाचे। अपने भाइयों बरादरियों सोसाइटियों शहरों से प्रोटेक्शन लेने वाला शख्स, डर देखें कितना है हमारे अंदर, कि अगर मैं ये 4-6 चीजें छूट गई तो मैं खत्म हूं। शेर तो वो है जो अपनी टेरिटरी खुद मार्क करता है, खुद क्लेम करता है अपनी सल्तनत, कोई नहीं होगा उसके। ब्लैक एंड व्हाइट में कायर रहते हैं, शेर ग्रे में पैदा होता है, ग्रे में, जहां दोस्त भी मुहैया नहीं होगा, दुश्मन भी मुहैया नहीं होगा, सीरत भी नहीं मिलेगी, उस्ताद ही नहीं मिलेंगे उस फील्ड के अंदर, मशवरा देने के लिए साया नहीं होगा साथ में, वहां बनती हैं चीजें।
तो बड़ी बात है मेरे भाई, महफिल में कुछ ऐसी रूहें बैठी हैं और मेरे बुजुर्ग भी बैठे होंगे जिन्होंने फैसला किया यार मैं ये नहीं, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, इतनी सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लाइफ नहीं मैं गुजार सकता कि सब कुछ मेरे से शुरू होता और सब कुछ मेरे पे खत्म हो जाए। ये जिंदगी, ये मियार ही नहीं है जिंदगी का। दुनिया की कदावर हस्तियां जो आई हैं वो अपने आप से आजाद थे, 40-40 साल उनकी ट्रेनिंग हुई है तन्हाइयों के अंदर, 36 साल की उम्र में कायनात का सबसे बड़ा लीडर छोड़ गया भाई, वो हट गया सिस्टम से, गार में चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई मैं अब नहीं और ले सकता, ये बहुत गंद है इसके अंदर, ये बहुत फिल्थ है इस सोसाइटी के अंदर, बहुत मसनूयत है। ख्वाबों को परवान चढ़ने के लिए, अपने कतल का एक रिवाज बनने के लिए, मिजाजों को एक समाज बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किसी के सीने का एक एहसास बनने के लिए, वक्त की नजाकत में एक रफाकत बनने के लिए तन्हाइयां चाहिए होती हैं, तन्हाइयां।